कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, तू वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व बतलाना, क्योंकि विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़पती है आह भर भर कर, रो रो कर ये कहती है। क्या कहती है? वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। जाओ मेरा संदेश लेकर जाओ, अपना पिताम्बर दिया उद्धव को, ये पहन कर जाना उद्धव, और उसी सुवर्ण रथ में भेजा उद्धव को, जिस सुवर्ण रथ में अक्रूर जी कृष्ण दाव को नंदगांव से ले आए। गोकुल में यमुना के किनारे पर सदा नयन बिछाए मथुरा के मार्ग पर गोपियां बैठी रहती, आवन कर गए अजरुनाए। लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो। पैया परों में तोरे श्याम, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो No!
का कण कण रोए। लौट चलो ब्रज में, लौट चलो चलो लौट चलो काना, लौट चलो ब्रज में, लौट चलो काना, लौट चलो लौट चलो। आज मथुरा के मार्ग की ओर देखा, रथ आ रहा है, उठी और दौड़ी, रथ को पहचाना, बस वही रथ है श्याम सुंदर का। हमको जानती ही थी, ना भूलेंगे हमको, देखो आ गए। प्रसन्न होकर दौड़ी, जब रथ नजदीक आया देखा कोई और ही बैठा, फिर से रोने लगी, अब क्यों आएंगे। सोचा उद्धव ने कितने अज्ञानी लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं ऐसा ज्ञानोपदेश करूंगा। अरे व्यापक का भी कोई वियोग हो सकता है क्या? व्यापक का वियोग नहीं होता, वो तो व्यापक तत्व है। घर पहुंचे जिस जगह था गोपियों का मंडल, वहां से शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्रों गोपियों के मध्य में श्री राधिका रानी, सभी के मुंह से रह रह कर निकलती थी यही वाणी कि वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है, वो ही मेरे श्याम है। नैना कजराले हैं, बाल घुंघर वाले हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वो ही मेरे श्याम है। कथा तो बड़ी सुंदर है, समिया भाव रूप रहा है, भाव को उद्धव जी ज्ञानोपदेश करते हैं। गोपियां सोचती है कस्याच्युत वेशभूषण, और तब एक भंवरा आता है गुनगुन करते हुए, भ्रमर को प्रिय का भेजा हुआ दूत मानकर गोपियों ने गीत गाया, वो भ्रमर गीत। मधुबक बंधो कुछ विलुलित माला कुंकम श्रु भिरन वह तो मधुपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदस विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमीद्र यदु सदस विडंब्यम यस्य दूतस्त्वमीद्र। ए भ्रमर हमें छूना मत, दूर रहे। मथुरा में जो हमारी सौतने हैं ना, उनके गले में जो फूल माला है उस पर बैठकर तू आया है, इसलिए तेरे पग पर उसकी रज लगी हुई है। यदि अब तू हमें स्पर्श करें और वो रज हम पर पड़े तो हमसे सहन ना होगा। क्या गुनगुन करता है, कोई संदेशा लेकर आया है? भ्रमर को नहीं उद्धव को सुना रही है। देखो उद्धव भी काले हैं, भ्रमर भी काला। कहती है कि मेह बहुषरंग्रे गायसे त्वं यदूनामधिपतिमगृहाणामग्रतोणः पुराणम् वहतु मधुपति स्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यम् यस्य दूतस्त्वमीद्र। क्या गुनगुन कर रहा, अब मीठी मीठी तेरी बोली में हम नहीं फंसने वाली।
जैसा तेरा तेरे मालिक का स्वभाव है वैसा ही तू है, वो भी काला तू भी काला, हाँ उद्धव भी काले हैं, भ्रमर भी काला, क्या गुनगुन कर रहा है? जैसे तू मीठा मीठा बोलता है वैसे ही तेरे मालिक ने भी मीठा मीठा बोलकर हमें फंसाया, लेकिन तेरा प्रेम हे भ्रमर किसी एक फूल पर तो स्थिर नहीं है ना, एक में थोड़ी प्रेम है तुझे, एक फूल पर बैठता है उसके रस को लूटता है और फिर दूसरे फूल पर जाता है फिर उसको लूटता है फिर तीसरे फूल पर, तेरे मालिक का भी ऐसा ही स्वभाव है जिसने तुझे भेजा है। मधु मध्य पिया है क्या, नशा चढ़ा है क्या, हे छे पगवाले क्या गुनगुन करता, हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि उस भ्रमर मना को छोड़कर लक्ष्मी क्यों नहीं चली जाती, लेकिन लगता है लक्ष्मी भी हमारी ही तरह कभी बदल चेता उत्तम श्लोक जल पई ही, जैसे हम उसकी कथा सुनकर मुग्ध हुई लक्ष्मी भी उनकी कथा सुनकर मुग्ध हुई होगी, अब हमसे बुलाए ना बनता है, लगता है लक्ष्मी भी नहीं भूल पा रही, क्या गुनगुन करता है भ्रमर, उनके गुणों को गा रहा है, तो बंद कर नहीं सुनना चाहती अब हम उनके गुणों की कथा, अरे उनकी कथा में गई इसलिए तो यह दशा हुई, कथा में गई तो प्रेम हुआ और प्रेम हुआ तो देखो आज उनके वियोग में हमारी क्या दशा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख हो नगर ढिंढोरा पीटती प्रीतन करियो को, जो मैं ऐसा जानती, अब हम कथा नहीं सुनना चाहते, लगता है तुम कथा कहने वालों को भी उन्होंने घूस दे रखी है कि ऐसी कथा करो कि सबन को मुझ में प्रेम कराओ बदले में हम तुमको मुक्ति दे देंगे, और तुम लोग मुक्ति की मोक्ष की घूस खाकर कथा ऐसे करते हो कि सबन को प्रेम करवाते हो और तुम तो चले जाते हो बाद में लोगों की बुरी दशा क्या होती है तुम थोड़ी देखने आते हो, नहीं सुनना चाहती भ्रमर हम कथा नहीं सुनना चाहती, चले जाओ यहां से चले जाओ, और कथा में है भी क्या भ्रमर, सोच तो कपट की ही तो कथा है वो, कपटी की, वो बामन बनकर वो छलिया गया बलि के पास, तीन पग पृथ्वी मांगी और फिर देखो तो छल कैसा किया, मांगते समय तो बामन था और लेते समय विराट हो गया, सब कुछ ले लिया बलि का और तीसरे पग के लिए और सताया बलि को, और रामावतार में वो बेचारा वाली तो अपने भाई सुग्रीव के साथ लड़ रहा था और इन्होंने वृक्ष के पीछे छुपकर बाण मारा, ये भी कोई शौर्य की बात है, ये वीर के लक्षण होते हैं क्या ऐसे छुपकर मारना बहलिए की तरह मारा, और शूर्पणखा बेचारी आई थी उनके सौंदर्य में मुग्ध होकर, अरे विवाह नहीं करना था ना कह देते लेकिन उन बेचारी के नाक कान कटवाए, क्या स्त्रियों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है, अब ऐसे ही तो सब कथा है, लोग सुनेंगे तो बिगड़ेंगे ही भाई, ये कथा सुनने लायक नहीं, बंद करो भ्रमर बंद करो, चले जाओ यहां से चले जाओ, हम बहुत सताए गए हैं अब हमें और ना सताओ, चले जाओ भ्रमर चले जाओ, उड़ता हुआ भ्रमर चला गया। उद्धव जी समझते हैं कि ये कह तो मुझे ही रही है, ठीक है भाई नहीं सुनना है ज्ञानोपदेश हम चले जाते हैं, और उद्धव जी भी गए, लेकिन दो चार कदम जैसे ही गए मन में विचार आया श्री कृष्ण पूछेंगे हमारा संदेश दिया क्या कहेंगे, उपदेश ना सही संदेश तो सुना दे, वापस आए, डाकिए का काम है डाक डाल देना फिर सामने वाला पढ़े या ना पढ़े उसकी मर्जी, हम संदेश लेकर आए हैं दे ही दे, उद्धव जी वापस आए तब वो भ्रमर भी पुनः उठता हुआ, वो भी पीछे हट गई, बेशर्म हो बड़े याद है, और उद्धव जी स्थिर हो गए, मुझे बेशर्म कह दिए, ठीक तुम्हारे मालिक जैसा स्वभाव है, जब वो बहुत सताते थे हम भी रूठ जाया करती थी, धक्के मारकर बाहर निकाल दिया करती थी तो उसे बोलू ना द्वार बंद कर देती थी तो खिड़की से कूद कर आ जाते, चोटी खींचते थे जीभ निकालते थे ऐसे नखरे दिखाते थे, किसी न किसी तरह हमें मना कर ही रहते थे, तुम भी वैसे ही हो फिर से आ गए हो हमें मनाने, अच्छा क्या गुनगुन कर रहे हो भ्रमर, क्या कहना चाहते हो, अच्छा
अच्छा बताओ बताओ, हमारे प्यारे मथुरा में कुशल तो है ना? कभी हम दासियों को याद करते हैं कि हमें भूल ही गए? जब ये पूछा उद्धव ने सोचा अब बोलने का अच्छा मौका है। लेकिन भ्रमर गीत माने उद्धव जी को गोपियों के द्वारा मिली हुई प्रेम भक्ति की दीक्षा। उद्धव का ज्ञान प्रेम भक्ति के रंग से रंग गया। उद्धव ने नमस्कार किया, अहो योयम् स्म पूर्णार्था भवत्यो लोक पूजिताः वासुदेवे भगवती यास्यामित्यर्पितं मनः। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। तुम पूर्ण हो, तुम्हें श्री कृष्ण में प्रेम हुआ। सुनो, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं तुम्हारे लिए। अभी तक जो रो रही थी हंसने लगी। उद्धव ने सोचा पागल ही है, अब इसमें हंसने की क्या बात है। बोले क्या लेकर आए हो मथुरावासी? कहा संदेश लाया हूं श्री कृष्ण का। फिर से हंसने लगी, एक दूसरे के ताली देकर हंस रही है। यह संदेश लाया है? सुनो बहना, ये हमारे लिए संदेश लाया। उद्धव ने कहा उसमें आश्चर्य की बात क्या है? वो बोली, अरे मथुरावासी, संदेश आ तो उसका आता है जो कहीं बाहर जाता है। हमारे प्रियतम कहीं बाहर नहीं गए, वो तो हमारे हृदय में ही। हम तो उनके साथ रूबरू बातें करती है, तुम क्या संदेश लाओगे? तुम वहां से चिट्ठी लेकर आओ और हम यहां से चिट्ठी लिखें। प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वै परदेश, मेरे प्रीतम को पतियां लिखूं जो वह वै परदेश। लेकिन जो तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश, जो तन में मन में नैनन में वाको कह संदेश। प्रीतम को, प्रीतम को, मेरे 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 प्रीतम। अरे तुम उपदेश दे रहे थे ये ब्रह्म सत्ता अलग निर्गुण है, व्यापक है, व्यापक का वियोग नहीं होता, और सब कुछ यदि ब्रह्म ही है मथुरावासी तो तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है, ठीक है? बोले हाँ ठीक समझी। अरे क्या खाक ठीक समझी, तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म होकर ब्रह्म को ब्रह्म का उपदेश क्यों करते हो? अरे मथुरावासी, तुम बातें कर रहे हो अद्वैत की, लेकिन तुम जी रहे हो द्वैत में। जो कुछ होता है वो तो द्वैत में होता है। उद्धव ने सोचा ये बात भी ठीक है, ये तो द्वैत हुआ। छोड़ो मथुरावासी, छोड़ो ये चर्चा। उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। बिना कृष्ण दर्शन के शांति नहीं है, बिना कृष्ण दर्शन उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उद्धव ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है। कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो माँ के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, माताएं खड़ी क्यों हो, कृपा करके बैठ जाओ ना सताओ। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया आए थे उद्धव ज्ञान देने, लेकिन अंत में गोपियों की प्रेम भक्ति के रंग से रंग कर गए हैं उद्धव। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण
कृष्ण रामा, गाते गाते मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्री कृष्ण गो